ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आज के चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और हम इस चैप्टर में करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हो टेक लर्नर्स। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं, जो कि है यूक्लिड्स के बारे में। तो ये हमारे यूक्लिड बाबा, इन्होंने 5 साल पहले, जैसे कि हमारे दादा के 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 ज़माने में एक थ्योरी लिखी थी जिसका नाम है यूक्लिड्स द बेजियन एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम का यूज़ करके हम आज HCF निकालेंगे, जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्सरसाइज 1.1। हम सभी ने बचपन से ही डिवाइड किया है, और 8th में या 9th में आपको मिला होगा शायद कि डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर के लिए यहाँ जगह नहीं है। हम जो एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसमें और भी कुछ है, वो है 0 <= r> <b>। इसका मतलब भी हम समझेंगे बाद में। यहाँ a का मतलब डिविडेंड है, b हमारा डिविजर है, q है कोशेंट और r है रिमाइंडर। अभी हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा, और b हमेशा r से बड़ा होगा। अभी हम इसे और सिंपल भाषा में समझते हैं। आप लोगों ने डिवाइड तो किया ही होगा। डिवाइड में हम क्या करते हैं, डिविडेंड, डिवाइड में हमेशा डिविडेंड अंदर होता है और डिविजर बाहर, कोसेंट हमेशा ऊपर होता है और रिमाइंडर हमेशा नीचे होता है। इसी चीज़ को यूक्लिड के एल्गोरिथम से समझते हैं। डिविडेंड है ए, डिविजर है बी, कोसेंट है स्मॉल क्यू और रिमाइंडर है स्मॉल आर। अभी हम इन्हीं सारे चीज़ों को यूज़ करके हमारे एक्सरसाइज 1.1 के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 135 एंड 225। यहाँ जो बड़ा वाला है उसे ए कहते हैं और छोटे वाले को बी। पहले हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। यहाँ बड़े वाले को ए की जगह पे लिखना है और जो छोटा वाला है वो बी की जगह में लिखना है। ये है हमारा मार्जिन। मार्जिन में हम सारे छोटे छोटे जो इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अभी हमें बड़े वाले को अंदर और छोटे वाले को बाहर लिखना है और इसे डिवाइड करना है। वन थर्टी फाइव यहाँ रिमाइंडर 90 बचेगा। अंदर वाले को ए, बाहर वाले को बी, ऊपर वाले को क्यू और नीचे वाले को आर। यहाँ क्यू 1 है और रिमाइंडर है 90। अभी 135 ए की जगह में लिखना है और रिमाइंडर 90 को बी की जगह में, और इसे फिर से डिवाइड करना है। 135 अंदर और 90 बाहर। नाइन्टी को 1 से अगर करो, 91 से 90, अभी रिमाइंडर 45। यहाँ ए 135, बी 90 और क्यू 1 है। क्यू को क्यू की जगह में लिखना है और आर को आर की जगह में। अब फिर से बी 90 को हमें ए की जगह लिखना है और रिमाइंडर 45 को बी की जगह, और फिर से इन्हें डिवाइड करना है। 90 अंदर 45 बाहर। 45 को 90। अभी क्यू को क्यू की जगह में इंटू करना है और रिमाइंडर आर को आर की जगह में लिखना है।
इस प्रॉब्लम में जिस लाइन में जीरो निकलता है वही हमारा सोल्यूशन लाइन है। लास्ट वाली लाइन में जीरो होता है उसी जीरो वाले लाइन के बी को एचसीएफ कहते हैं। सो 135 एंड 225 का एचसीएफ है 45। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और इसके पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप सीधे आई बटन पर क्लिक करके भी इसका पिछला वीडियो देख सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से नोट कर लेना। अगर आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन डिटेल में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। Oh, well,